अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर बना हुआ फॉरेस्ट पार्क जो है उसके अंदर मौजूद हूँ। इसे छंगा मंगा फॉरेस्ट पार्क कहा जाता है और मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा फलों के दरख्त लगाए गए हैं। और इन फलों के दरख्तों के अंदर एक दरख्त यह है जिसे जामुन का दरख्त कहा जाता है। ये उसका बाग छोटा सा बनाया गया पार्क के अंदर मखसूस जगह है जहाँ पर बिल्कुल ये देखे ये कश्ती है यहाँ पर चलती हैं। ये देखें यहाँ पे जिसे महताबी झील कहा जाता है बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे ये देखें ये जामुन के दरख्त लगाए गए हैं। ये बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। जब भी आप इस पार्क के अंदर आते हैं और अगर आप ऐसे मौसम के अंदर आते हैं जब इन फलों का मौसम हो और ये फल पके हों तो आप इनको खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें मैं आगे बढ़ रहा हूँ और साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि छंगा मंगा का जंगल जो है वो अंदर से कैसा है। और ये कौवे जो है उनकी आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। कौवों की आवाज़ आने का मकसद ये है, इसलिए आ रही है कि कौवे ये समझ रहे हैं कि ये अपने हाथ में कोई शिकार करने वाला कोई चीज़ पकड़ के लेके आया है, जिस वजह से वो शोर मचा रहे हैं। तो ये देखें ये मेरे पीछे ये सारे के सारे दरख्त जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जामुन के दरख्त हैं। जब भी आप छंगा मंगा पार्क के अंदर आते हैं और आके आप इस पार्क को देखते हैं तो अगर आप इस मौसम में आएँ जामुन के फल जो हैं वो पके हों तो फिर आप यहाँ पर आएँ। ये बिल्कुल महताबी झील के बिल्कुल साथ से छोटा सा बाग बना है जिसे जामुन का बाग कहा जाता है। और यहाँ पे साथ ही ये देखें लोगों के लिए वाशरूम वगैरह बनाए गए हैं। ये देखें ये लोकेशन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आके आप फिर अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं और फलों को आप जो है ना फ्री के अंदर खा सकते हैं, किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है। जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारी वीडियो को मज़ीद देखना चाहते हैं कि जंगल कैसा है, पार्क कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।